नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल, और हम अकोला में प्रैक्टिस करते हैं। अकोला ये महाराष्ट्र में है, इंडिया में है, और मैं एज अ साइकियाट्रिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है। बहुत क्यूरियोसिटी ज़रूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी व्यक्ति इसके बारे में बोलने से कतराता है। होमोसेक्सुअलिटी को हम बोलते हैं समलैंगिकता। होमोसेक्सुअलिटी ऐसी एक चीज़ है जो होने के बाद ब्रेन पैटर्न में कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिसके कारण जिसको निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है। होमोसेक्सुअलिटी हम दो प्रकार के देखते हैं, एक तो गे और लेस्बियन। गे मतलब जब पुरुष को पुरुष से प्यार होता है, और लेस्बियन मतलब जब स्त्री को स्त्री से प्यार होता है। ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज है, फॉर एग्जाम्पल एलजीबीटी कम्युनिटी, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, एक ऐसी कम्युनिटी है जो आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत ही एक्टिव है, और जो ह्यूमन राइट्स या गे राइट्स के प्रति लड़ रहे हैं। इस कारणवश ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले कतराते थे, एक्सप्रेस करने को कतराते थे, लेकिन अभी वो धीरे धीरे एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसा बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ चॉइस बट एक्सप्रेशन इज अ चॉइस। मतलब कोई व्यक्ति होमोसेक्सुअल है तो ये उसकी गलती नहीं है, वो जानबूझ के वो नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेस करना या ना करना ये पूरी तरह उसके हाथ में है। हम ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं जो होमोसेक्सुअल से हमसे मदद मांगते हैं, हमें ओपीडी में मिलते हैं और हमसे काउंसिलिंग करते हैं, विविध प्रकार के सवाल पूछते हैं और फिर ठीक होकर घर पे चले जाते हैं। होमोसेक्सुअलिटी के कारण क्या है? एक्चुअली ये एग्जैक्ट कारण बताना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिस कारण से वो व्यक्ति होमोसेक्सुअल बन सकता है या बन सकती है। ऐसा बोलते हैं कि एक इंटरप्ले है बहुत सारे फैक्टर्स का, बायोलॉजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल या हार्मोनल। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो अगर मिल गए तो व्यक्ति होमोसेक्सुअल बनने लगता है। एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं कमिंग आउट। कमिंग आउट मतलब जब व्यक्ति होमोसेक्सुअल है, लेकिन जब वो एक्सप्रेस करना चालू कर देता है, लोगों को बताता है कि हाँ मैं होमोसेक्सुअल हूँ, और उसमें प्राइड लेता है, तो उसको हम बोलते हैं कमिंग आउट। और हम एज अ साइकेट्रिस्ट यही चाहते हैं, आप होमोसेक्सुअल है नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अगर होमोसेक्सुअल है और उसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप हमारी सहायता ले सकते हैं, हमें मिल सकते हैं, और एज अ साइकेट्रिस्ट, एज एन एक्सपर्ट हम आपकी मदद कर सकते हैं। होमोसेक्सुअलिटी ये बीमारी नहीं है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे अलग अलग नॉवेल्स में, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट में या पेपर प्रिंट में ऐसा बोला है कि होमोसेक्सुअली ये मेंटल इलनेस है, पर मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ, पूरे स्टडी के साथ बोलता हूँ, एज एन एक्सपर्ट, एज अ साइकेट्रिस्ट, कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ डिफरेंट अप्रोच। होमोसेक्सुअलिटी ये मानसिक बीमारी नहीं है, इट इज नॉट अ मेंटल इलनेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है उनके फ्रेंड्स का और उनके पेरेंट्स का। अगर होमोसेक्सुअल्स के पेरेंट्स और उनके फ्रेंड्स अगर वो पेशेंट के या वो व्यक्ति के साथ में हो, तो वो व्यक्ति आगे जाके खुद को एक्सप्रेस कर सकता है और खुद का ओपिनियन सबके सामने रख सकता है। ये थी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। मैं अगले पार्ट में होमोसेक्सुअलिटी के बारे में और भी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।